जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, हम बचपन से सुनते आए हैं, गर्व करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन के बाद वित्त मंत्रालय घाटी को एक बार फिर धरती का स्वर्ग बनाने की कवायद जुट गई है। धारा 370 ने जहां एक तरफ कश्मीरियों को कुछ विशेष अधिकार से नवाजा, वहीं दूसरी ओर घाटी को विकास की दौड़ में कोसों पीछे धकेल दिया। कश्मीर कैसे बनेगा धरती का स्वर्ग? कौन बनाएगा धरती का स्वर्ग? कैसे पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वित्त मंत्रालय ने उन संभावित उद्योगपतियों के साथ बैठक की जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में निवेश कर सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कश्मीर में पहला इन्वेस्टर समिट का आयोजन। जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेक्टर से निवेश की संभावना, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, फूड पार्क जैसे अहम सेक्टर में निवेश संभव। घाटी में निवेश को लेकर CII ने एजेंडा तैयार किया। मोदी सरकार अच्छी तरह जानती है कि संख्या बल के बदौलत धारा 370 हटाने में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन घाटी के लोगों को उनके हालात और विचारधारा से निकालकर मुख्य धारा में लाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मोदी सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश के तमाम उद्योग जगत के दिग्गज की जम्मू कश्मीर को लेकर ये नई आवाज है। जम्मू कश्मीर जो अब तक सिर्फ आतंकवाद, भारत पाकिस्तान के बीच लगातार गोलीबारी, पत्थरबाजी और खौफ के माहौल के लिए जाना जाता था, अब उस जन्नत में देश की इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलने वाली है। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि कश्मीर में विकास की राह में आर्टिकल 370 सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन अब मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि देश के तमाम कारोबारी जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री की नींव डालने और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। एज़ एसोचैम वी वांट टू ओपन ऑफिस, हमने ये कदम एक उसके तरफ उठाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा पॉजिटिव environment पैदा करने के लिए as a chamber we want to be creating that particular office in to start wherever there is stability which we expect from this bold act of the government wherever there is stability peace law and order is good normally investments will always be boosted। इस क्रांतिकारी बदलाव की वजह है मोदी सरकार का वो ऐतिहासिक फैसला जिसका स्वागत आज पूरा देश कर रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कई इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहती हैं, जिससे ऑटो सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर, पर्यटन, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग के अलावा दूसरे क्षेत्रों में निवेश तेजी से बढ़ेगा। जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उस वजह से हमें कभी भी ग्रोथ नहीं मिल पाई वहाँ पे। साल के 4-5 महीने 6 महीने ही डीलरशिप खुलती थी, 6 महीना बंद रहती थी, तो ऑब्वियसली सेल का वो इफेक्ट नहीं मिलता था। अब जिस तरीके से खुला तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी पूरी खुल जाएगी, और जैसे आज हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, यूपी, वैसे हम जम्मू कश्मीर की भी ग्रोथ की और फिगर्स की बात कर पाएंगे। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि इस खुलने में 2-4 महीना लगेगा, लेकिन हमारी ऑटो इंडस्ट्री को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा वहाँ पे। जम्मू में ऑलरेडी नेटवर्क है, कश्मीर तक नहीं पहुंचे थे, बट अब 370 हटने के बाद जैसे बता रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और हम लोग बिल्कुल वहाँ पे सेटअप करेंगे, अपना डायरेक्ट सेलिंग भी सेटअप करेंगे, हम एक्सक्लूसिव स्टोर भी खोलेंगे और रिटेल ऑलरेडी जा ही रहा है वहाँ। आर्टिकल 370 हटने और निवेश का रास्ता खुलने के बाद फिक्की ने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली से राज्य में इंडस्ट्री और बिजनेस बढ़ेगा। वहीं एसोचैम ने जम्मू कश्मीर में अपना ऑफिस खोलने का ऐलान किया है। हेलमेट बनाने वाली नामी कंपनी स्टील बर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है, जिससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑटो सेक्टर को भी उम्मीद है कि आने वाले सालों में ऑटो की बिक्री और बढ़ेगी। महाराष्ट्र राज्य पर्यटन भी जम्मू कश्मीर में रिजॉर्ट
या होटल खोलने की तैयारी कर रहा है। सरकार भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इंडस्ट्री आगे आए और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के विकास के दावे को हकीकत में तब्दील किया जाए। जाहिर है सरकार आर्थिक नजरिए से पिछड़े जम्मू कश्मीर में विकास की जो इबारत लिखने जा रही है उसको लेकर मोदी सरकार जल्द बड़े कदम का ऐलान कर सकती है। साथ ही इंडस्ट्री का भरोसा जीतने के लिए भी कई रियायतों और सहूलियतों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली से समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।